उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा दो दिन के लिए रोक दी गई है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। इसके चलते एनडीआरएफ की और 12 और एसडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि केदारनाथ में बादल फटने से पैदल रूट पर लिंचोली और भीमबली के पास 2000 से ज्यादा लोग फंसे हैं। इन्हें निकालने के लिए 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। केदारनाथ रूट में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ तैनात किया गया है और मुनकटिया से 450 लोगों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया गया।